रेनबो 7 चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से सिंपल स्केल प्लेन स्केल बनाना सीखेंगे और प्लेन स्केल में भी कुछ खास है आज, क्योंकि इसमें जो ब्रिटिश प्रणाली है मील गज फुट इंच वाली, उसके जो स्केल है थोड़ी टिपिकल होती है, हार्ड होती है, उसमें जितने भी डाउट है आप इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहां आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, आरएफ यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, निरूपक बिन या प्रदर्शक बिन, 1:72, 1:72 पर एक रेखात्मक मापक यानी लाइनर स्केल, जिसमें गज, गज का अर्थ होता है यार्ड इंग्लिश में, वह फुट पढ़े जा सके या गज या इंच पढ़े जा सके, उसके लिए आपको एक स्केल बनानी है। तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, आरएफ है उसको स्टेटमेंट स्केल में बदलेंगे, यानी जो निरूपक बिन है उसको कथनात्मक मापक में चेंज करेंगे। इसके लिए आरएफ 1:72 दिया हुआ है, आपको ध्यान है कि आरएफ या निरूपक बिन है या प्रदर्शक बिन है, उसमें जो दोनों यूनिट होती है 1 और 72 दोनों एक ही यूनिट में होती है। कहने का मतलब है 1 सेंटीमीटर है तो जो बेहतर है वो भी सेंटीमीटर होगा, 1 इंच है तो बेहतर भी इंच होगा। इससे पहले मैंने कथनात्मक मापक से संबंधित वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा, अपने डाउट क्लियर हो जाएगा। तो 1 इंच बराबर बेहतर इंच, तो 72 भी इंच होगा और 1 भी इंच होगा, आरएफ में ऐसा ही होता है। अब इसको आप गज में चेंज करना है, इंच को किस में चेंज करना है, क्योंकि देखिए गज में चेंज करना है, तो 1/72 यानी कि इसमें 1 इंच = 72/36 गज, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि एक गज है उसमें 36 इंच होते हैं, एक जो गज है उसमें क्या होता है 36 इंच होता है, और ये 72 इंच है इसलिए इसमें इंच का भाग दिया गया है, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे गज में, तो 1 इंच = 2 गज। तो ये हो गया कथनात्मक मापक यानी कि स्टेटमेंट स्केल, ये बदल गया, किस में बदल गया, आरएफ है वो स्टेटमेंट स्केल में, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्टेटमेंट स्केल में कन्वर्ट हो गया। अब इस कथनात्मक मापक से रेखात्मक मापक यानी लाइनर स्केल किस प्रकार बनाएंगे, तो मानचित्र, क्योंकि जो ये होता है ये मानचित्र पर है, और दूसरा जो यूनिट होता है, इकाई होती है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, धरातल पर होता है, जमीन पर होता है, तो मानचित्र पर 1 इंच प्रदर्शित करता है। मैं थोड़ा सा ऊपर इसको देखिएगा, मानचित्र पर 1 इंच प्रदर्शित करता है धरातल के 2 गज को। ये कहाँ से आया, जो ये कथनात्मक मापक है स्टेटमेंट स्केल है, ये पहले मानचित्र पर होगा और 2 किस पर होगा, धरातल के ऊपर जमीन पर, ये लिखा हुआ है तो मैंने इसको लिख दिया। अब क्या कर रहे हैं कि मानचित्र पर 6 इंच कहाँ से आया, कि हम 6 इंच की एक लाइन खींचेंगे, लाइन ड्रा करेंगे और उस पर स्केल बनाएंगे, जो लाइनर स्केल है इस प्रकार में आप पहले मैंने बना रखी है सुविधा की दृष्टि से, वीडियो लेट ना हो, तो इसमें 6 इंच की लाइन खींचेंगे। आप 5 इंच भी ले सकते हैं, 4 इंच भी ले सकते हैं, 7-8 उसके टुकड़े आसानी से हो, ऐसा माप हमें लेना चाहिए, मेरा यह सजेशन है। तो 6 इंच है वो ऐच्छिक है, आप इसकी जगह जिसके टुकड़े हो सके और कागज पर आ सके, ये नहीं कि 100 इंच ले लिया, 200 इंच ले लिया, कागज पर भी आना चाहिए, तो 6 इंच ले लिया। तो मानचित्र पर अब 6 इंच प्रदर्शित करेगा धरातल के, 2 दीर्घ है, इसे 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 का 2 गज है तो 6 का स्वभाव होता है उसका मल्टीप्लाई होता है, तो इसका 12 गज उत्तर आंसर आ गया 12 गज। तो इसका हम कथनात्मक मापक यानी स्टेटमेंट बना लेते हैं, स्टेटमेंट स्केल क्या होगा, 6 इंच = 12 गज, 6 इंच = 12 गज, इसमें स्टेटमेंट स्केल आ गया। अब इसमें यह होगा कि 6 इंच की तो आप लाइन खींचेंगे जैसा कि आप खींच रखिए, और 12 गज इस पर प्रदर्शित करेंगे, 6 इंच की लाइन खींच दी और इसको 12 गज से द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। आप स्केल देख पा रहे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इंच इसमें आ चुका है।
अब देखिएगा 12 के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं, सीधी सी बात है 12 या 6, इसमें देखिए 6 या 3 या 4, इतने टुकड़े किए जा सकते हैं ना। तो स्केल में इतना ही होता है कि 12 के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं, तो उसके हिसाब से मैं इस वीडियो को बनाऊंगा। तो पूरा देखिएगा, इसमें जो एक पार्ट छोड़ना है वो तो होता है सेकेंडरी पार्ट, इस तरफ वाला सेकेंडरी पार्ट, और जो शेष बच गया वो हो गया प्राइमरी डिवीजन। सेकेंडरी डिवीजन तो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा और बाकी होगा। तो इसमें आप पहला पार्ट छोड़ के और इसके 12 टुकड़े मैंने कर दिए, समय आपके सामने करता टाइम ज़्यादा लगता, और इस पर आप अंकन कीजिएगा, यहाँ लिखिए 0, पहला पार्ट छोड़ना है, ध्यान दीजिए। नाइन, टेन और 11, 12 पार्ट थे, उसमें हमने एक पहला पार्ट छोड़ दिया और बाकी को यहाँ से 0 से हमने इसको अंकित कर दिया है। और इसके आगे आप लिख सकते हैं गज, क्योंकि ये माप किस में है, गज, या इंग्लिश में लिखें तो यार्ड। अब इसके आपको टुकड़े करने हैं। कभी कभी पर्सन में कहा जा सकता है कि आपको 5 गज और 2 फुट पढ़ना है, कैसी एक लाइनर स्केल बनाइए जिसमें 5 गज और 2 फुट पढ़ा जा सके। तो अब आपको ध्यान है कि एक गज में कितने इंच कितने फुट होते हैं, एक गज में कितने फुट होते हैं, 3 फुट होते हैं। तो इसके 3 टुकड़े कर लीजिए, इस पार्ट के जो यहाँ से लेकर यहाँ तक के 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे किया जाता है, किसी भी ये सीधी रेखा होगी ना, ये इतनी सरल रेखा को डिवाइड कैसा किया जाता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, आप इसमें जो सजेशन वीडियो आ रहा होगा ऊपर, यहाँ आप इसको देख सकते हैं क्लिक करके, वीडियो अपलोड किया हुआ है, मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं इसको 3 पार्ट कर रहा हूँ, मैंने इसके 3 पार्ट कर दिए हैं, आप देख पा रहे होंगे। अब इसमें जो गौण भाग है, इसको हिंदी में गौण भाग, द्वितीय भाग बोलते हैं, और 0 से जो 11 तक नंबर लिखे हैं वो होता है प्राथमिक भाग, और ये होता है द्वितीय भाग, द्वितीय भाग का दूसरा नाम है गौण भाग। इसको आप पर्सन में देखिएगा, गज और फुट में पढ़ना है पर्सन देखकर। तो यहाँ आप देखिएगा, इसमें जो यह पार्ट कितने गज का है, सभी एक एक गज का ना, टोटली आप देख पा रहे होंगे सभी एक एक, ये भी एक गज का है, एक एक गज का। तो ये पार्ट जो है गौण भाग है, सेकेंडरी डिवीजन है, वो भी एक गज का है, इसलिए एक गज में कितने फुट होते हैं, 3, एक गज में कितने फुट है उसमें, इसलिए मैंने इसके 3 पार्ट कर दिए हैं। और अब इसको आपको लिखना है उल्टा, 1, 2 और 3, ये क्या हो गए, फुट हो गए, ये हो गए फुट। तो हमने इसके बनानी गज और फुट की, इसको एकांतर क्रम में एक छोड़कर एक को हम कलर कर देते हैं जिससे स्केल सुंदर लगे, इस प्रकार। अब मैं दूसरी स्केल वो बनाऊंगा। मान लीजिए यदि प्रश्न इस प्रकार आ जाता है कि आपको गज और फुट की जगह गज और इंच में दर्शाना हो, और कथनात्मक मापक यही है 6 इंच बराबर 12 गज, तो 12 इस पर आपको 6 इंच की लाइन खींच कर, और 12 गज के आप कितने टुकड़े कर सकते हैं, मैंने माना कि 12 आप टुकड़े कर सकते हैं, तो वही होगा, ये सेम ही होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेम ही होगा। तो ये जो प्राथमिक भाग है 0, 1, 9, 10 और 11, तो ये तो आ जाएंगे गज में, लेकिन आपको जो यहाँ है वो इंच में दर्शाने हैं, तो क्या करोगे आप, ये जो गौण भाग है वो कितने का है, क्योंकि प्रत्येक टुकड़ा एक गज का है, तो ये एक गज का है, तो एक गज है उसमें कितने फिट होते हैं, 3 फिट, और 3 फिट में कितने इंच होते हैं, 36, यानी कि एक गज में कितने इंच होते हैं, 36, मैं यहाँ लिखा हूँ, यहाँ लिखा है एक गज में 36 इंच होते हैं, तो इस में आपको 36 इंच दर्शाने हैं। तो आप कितने 36 के कितने टुकड़े करना चाहो, तो जितने टुकड़ा करना चाहेंगे आप उतने हो जाएंगे, 36 के यदि आप 2 टुकड़ा करेंगे तो 2 होंगे,
18 और 36, तीन करोगे तो 12, 24 और 36। तो मैं अभी इसके तीन ही टुकड़े, दो ही टुकड़े करूंगा, और चार करोगे तो चार हो जाएंगे, चार करोगे तो नौ, नौ नौ के चार हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप चाहे जितने टुकड़े कर सकते हो। प्रश्न में यदि दिया हुआ है कि आपको 6 गज और 18 इंच पढ़ना है तो आप दो टुकड़े कीजिएगा, और 27 करना है तो आप चार टुकड़े कर लें, 9, 18, 27। तो इस प्रकार आप चार टुकड़े कर सकते हैं, जितना दिया है उसी हिसाब से आपको करना है। तो आपको मैं अभी दो टुकड़े करके इसका बताऊंगा। मैंने लिख दिया 18 और 36, क्योंकि ये आगे लिखना है इसमें इंच, क्योंकि ये इंच में था। एक गज का होने के कारण एक गज में 36 इंच होते हैं, वो मैंने यहां दर्शा दिया है। इसको आप एकांतर क्रम में ब्लैक एंड व्हाइट आप कर सकते हैं। इस प्रकार मैंने एकांतर क्रम में इसको ब्लैक कलर से कलर्ड कर दिया है। अब अगला पार्ट, अगले पार्ट में आप देख पा रहे होंगे मैंने तीन टुकड़े किए हैं। तीन टुकड़े इसमें आप देख पा रहे होंगे, कथनात्मक मापक वही है, 6 इंच बराबर 12 गज। 6 इंच की लाइन खींची, 12 गज आपको इसमें दिखाना है। तो चार चार के टुकड़े हो जाएंगे, 0, 0 और एक पार्ट हो जाएगा। तो इनको जोड़ने पर 8, 4, 12 हो जाएंगे। अब इसके आप टुकड़े कितने करने चाहो तो आप कर सकते हो। तो इसमें चार चार टुकड़े करेंगे तो ठीक रहेगा, यदि आपको गज और फुट में दिखाना है। तो इस प्रकार जो गौण भाग है, सेकेंडरी जो पार्ट है, इसमें चार गज का है तो चार टुकड़े कर दिए, और इसको आप गज और फुट में दर्शाना है। तो फुट में हो जाएंगे, चार गज है और एक गज में 3 फुट होते हैं, और 3 को 4 से 4 पार्ट ना, तो 4 से मल्टीप्लाई का तो 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 12 के हम 4 बराबर भाग करेंगे तो हो जाएगा 3, 6, 9 और 12, ये हो जाएगा फुट। तो इस प्रकार आप इसको भी एकांतर क्रम में आप रंग कर सजा सकते हैं। अगला है इसके, यदि हम इसके तीन डिवीजन तीन भाग किए थे, यदि इसके 4 करें और इसको गज और इंच में दर्शाएं, गज और इंच में दर्शाएं तो क्या होगा? तो अपने आप ही 3-3 के भाग होंगे, 3, 6, 9 और 3, 12। तो यहां लिख दीजिएगा 0, 3, 6 और 9, और ये 3 का अपने आप बस जाएगा। तो ये हो जाएगा गज में, और इस तरफ देखेंगे आप इंच में हम दर्शा रहे हैं। अब इसमें इंच में दर्शाने के लिए जो ये सेकेंडरी पार्ट है, गौण भाग है, इसमें आप देखिएगा 3 गज है, ये जो टुकड़ा है वो 3 गज का है। अब 3 गज में आपको ध्यान है, इंच होंगे, एक में 36 होंगे तो 3 में होंगे 108। तो मैं इसका 3 पार्ट कर दूं, या जो प्रश्न में दिया हुआ है कि आपको कितना मापना है उसी के हिसाब से आप पार्ट कर सकते हैं। तो टोटल हो जाएंगे 108। तो इसको आप 3 पार्ट में, मैं अभी 3 पार्ट में आपको करके बताऊंगा। तो 3 पार्ट में हो गया, इसको आप लिख सकते हैं 36 इंच और 72 और लास्ट वाला 108 इंच। इस प्रकार जो हमने 3 देखे, इसमें फुट गज और फुट इंच में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं वो आपने जाना। इस प्रकार आप इनको एकांतर क्रम में, अल्टरनेटिव सीक्वेंस में आप कलर करके बहुत शानदार बना सकते हैं। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उत्तर देने का 100% प्रयास किया जाएगा। मापनी, सभी प्रकार की मापनियाँ बनी हुई है, आप हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें देखिएगा, जियोग्राफी के संपूर्ण वीडियो जितने हो सके हमने अपलोड किए हैं। यदि आपको आपकी आवश्यकता अनुसार कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट भेज कीजिए, वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके किसी प्रकार ये उपयोगी सिद्ध हुआ है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो भी आपके दोस्त हैं जिससे
उनको भी लाभ पहुंचे। वीडियो देखने के लिए पुनः धन्यवाद।